जाहिर है कि जो अभ्यास नहीं कर रहा है उससे वो बेहतर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह एक किसान को ले लीजिए, एक किसान घर बैठा सोच रहा है कि अगर थोड़ी सी धूप कम होगी तब मैं भी चल के अपने गन्ने की बुआई करूंगा या गेहूं की कटाई करूंगा। एक आदमी यह सोच रहा है कहीं मैं धूप का खत्म होने का इंतजार करूंगा, कहीं बारिश ना होने लगे, तो एक तो धूप खत्म होने का इंतजार कर रहा है, एक आदमी और सोच रहा है कि हो सकता है धूप खत्म होते होते बारिश ना हो जाए और मेरा सारा का सोचा हुआ सब व्यर्थ हो जाए। तो किसी चीज को टालने का प्रयास मत करिए, समय निरंतर गति पे है, वह एक एक क्षण बीत रहा है, आपके जीवन का एक एक पल घट रहा है, बचे हुए पल को इतना बेहतरीन जीना है कि किसी काम को दूसरे दिन और दूसरे समय के लिए टालना नहीं है। ईश्वर ने जो समय उपलब्ध कराया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है और पूरी ताकत से इस्तेमाल करना है। तो अगर ये काम आप कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में जो भी निर्धारित करेंगे ईश्वर उसमें आपको पाने में मदद करेगा और आप उसको पाएंगे भी। तो देखे हुए कितने लोगों ने इंतजार किया होगा गेहूं काटेंगे बाद में, और कितने लोगों का आंधियों में उड़ा, किसी ने का बारिश में भीगा लिया कि नहीं, और जिसने समय रहते उसको कर लिया था वो आराम से फाट से देख रहा है कि देखो अगर मैंने टाला होता तो आज क्या स्थिति होती। ठीक है, यही तमाम लोग बैठे हैं सोचेंगे यार अभी बहुत भीड़ है और थोड़ा कम हो जाए तब चल के खाएं और पूरी उड़ी खत्म हो जाए तब क्या होगा फिर, इसलिए आगे पाने का प्रयास करिए हर चीज को, किसी को टालने का प्रयास मत करिए। ये प्रयास करिए कि इतना तेजी से मुझे जाके ले लेना है कि वो खत्म होने की नौबत न आए। ठीक है, उसी तरह आपको वैकेंसी निकले तो प्रयास करना है, ये 25 लोग हैं, हो सकता है इनके बाप माँ बाप भी पढ़ाते हो सकता है इनके पास संसाधन अच्छे हो, तो मुझे इन संसाधनों को इस तरह से व्यवस्थित रूप से प्रयोग करना है उस 25 को चाहे जितनी भी सुविधा मिल जाए, चाहे जो भी उनके माँ बाप जितना पढ़ा ले जाए, लेकिन उन 25 को मैं सबको पीछे छोड़ूंगा। ठीक, इसके लिए अगर वो 4 घंटे पढ़ते हैं तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा लेकिन इनको पीछे छोड़ूंगा। और आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो पहले आप देखते हैं जब वो ध्यान मग्न होते थे तो फिर उनको क्या दिखाई देता था, जिसको पाने के लिए ईश्वर को सोचते थे कि उसको पालूंगा तभी यहाँ से हटूंगा, तो क्या करते थे जब तक उनकी सिद्धि पूरी नहीं होती थी और जिसको पाने के लिए सोच रहे वो प्रकट नहीं हो जाता था तब तक उठते थे वो नहीं। और तमाम लोग एक घंटा बैठ करके उठ गए घंटाओं कौन इतना बैठेगा, तो उन्होंने पाया, हर आदमी बड़ा संत बनने की सोच रहा होगा और जाके एक घंटा योगा कर रहा होगा, तो योग एक घंटे योग से ईश्वर नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर तब तक प्रयास करना है जब तक जिसको पाने की सोच रहा है वो उपलब्ध ना हो जाए। ठीक है, तो आज से सब लोग सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, उस सोच के अनुसार अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर ये दोनों आपने कर लिया तो आप जिसको पाने के लिए सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा, और इन महान विभूतियों के बीच में आपका भी एक फोटो लगेगा और लोग देख करके आपको आपके विषय में यही बताएंगे इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने या इस महिला या इस पुरुष ने यही प्लेटफॉर्म से शुरू किया था जीवन जहां हम आप बैठे हैं और यहीं से शुरू करके उस उपलब्धि को हासिल किया है, तो क्यों नहीं मैं हासिल कर सकता हूँ। अगर हमारे बीच की आकांक्षा या जो भी नाम हो या जो हो अगर यहाँ पहुँच सकती है तो मैं भी वहाँ पहुँचने का प्रयास करूँगा और पहुँचूंगा। अगर इस तरह का जज्बा मन में आता है तो आप भी वहीं पहुँचेंगे जहाँ आपने पहुँचने के लिए सोचा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बोलना एक दिन में जितना बोलना चाहिए उससे अधिकता होगी, तो बोला वही जाए जितना लोगों के सुनने में अच्छा लगे और उसके अनुरूप व्यवहार करने में अच्छा लगे। ठीक, अच्छा लगा yes, sir. तो आज से अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, जो भी मिले उसका सम्मान करिए, जब आप लोगों का सम्मान करेंगे, जब आप लोगों को रोज नमस्ते करेंगे, एक बड़ा आदमी उम्र से है भैया नमस्ते बेटा नमस्ते, तो बुलाएगा आपका सर सुना के कहेगा ये अच्छा परिवार ने इसको संस्कार दिया है, और वो भी जाके अपने बच्चों को बताएगा देखो दयाशंकर की बेटी आकांक्षा जहाँ मिलती है वो बड़ों का सम्मान करती है, उसका एक एक भाव इतना अच्छा लगता है देखने में कि मन प्रसन्न हो जाता है, तुम भी जाकर उससे कुछ सीखो, कहते हैं लोग ना, और तुम भी फालतू घुमा मत करो लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठने का प्रयास करो। तो आज से जो भी आदमी आपसे बड़ा या छोटा मिले उसका सम्मान करना शुरू करिए,
किसी भी व्यक्ति के मन को आपके किसी कार्य से दुख ना पहुंचे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे व्यवहार में परिवर्तन आदमी को महान बनाता है। तो आज से शुरू कर दीजिए, आपके कार से, आपके व्यवहार से। किसी को लगता है कि अगर इसका हाथ मैं पकड़ लूँ तो इसका जो रास्ता है आसान हो जाएगा, तो उसको करना चाहिए। जब आप बेहतर करते हैं तो आपको ईश्वर बेहतर परिणाम तक ले जाता है और आप महान विभूतियों में अपना स्थान बना लेते हैं। ठीक, थैंक यू।